जी जनाब, तो फिर अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, आज आपको ले चलने वाले हैं राजस्थान का शिमला माउंट आबू। यस, तो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और अभी हम हैं अंबाजी में, और अभी हमारा फाइनल डेस्टिनेशन वो माउंट आबू है, आप रिसेंट देख सकते हैं। तो अहमदाबाद से हम माउंट आबू के लिए शनिवार की रात को निकले थे, और अभी हम ये सुबह का समय है और हम अंबाजी पहुंच चुके हैं, और यहाँ से हम अंबाजी के दर्शन के बाद आगे के लिए निकलने वाले हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, पीछे सभी लोग तैयार हो चुके हैं, ऑलमोस्ट हमारी गाड़ी तैयार है, तो चलिए चलते हैं। अंबाजी का मंदिर मुख्य शक्तिपीठों में से एक है। हम गई है हम अंबाजी माता के मंदिर, और अभी दर्शन लाभ हो चुका है, और अभी यहाँ से हम माउंट आबू में निकलने वाले हैं। नीचे आपने देखा होगा बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, क्योंकि सुबह का अभी जस्ट ही मंदिर ओपन हुआ है रिसेंटली। और बाकी आगे का प्रोग्राम बताता हूँ, थोड़ी ठंडी ज़्यादा है। माउंट आबू अरावली पर्वतमाला का हिल स्टेशन है, जिसके सबसे ऊंची चोटी का नाम गो सीकर है। माउंट आबू का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट में से आता है। माउंट आबू आने वाला हर व्यक्ति गुरु सीकर आना चाहता है, क्योंकि यहाँ से आप बहुत बढ़िया फोटोग्राफी कर सकते हो, और पूरे माउंट आबू का व्यूज को आप बड़े आसानी से यहाँ से ऊपर से देख सकते हैं। और अब हमारी सवारी निकल पड़ी थी माउंट आबू का सबसे फेमस एक और जगह है, जिसको बोलते हैं नक्की लेक। ऐसा माना जाता है कि ये हाथों से निर्मित नक्की लेक है, जिसको रसिया बालम ने अपने हाथों से खोद के बनाया था। तो चलिए ले चलते हैं आपको नक्की लेक पे। ध्यान तो रखेंगे।
आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो अच्छा लगा लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मुझे पता है कि वीडियो बहुत लेट आ रहा है, लेकिन मैं आशा करता हूँ मेरे पास बहुत सारे कंटेंट पड़े जो एडिट नहीं कर पा रहा हूँ मैं, और बहुत जल्दी ज़बरदस्त एक्साइटिंग कंटेंट आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कर दीजिए, और मिलते बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, कीप ट्रैवलिंग, कीप लविंग, बाय बाय।